मेरा यही कहना है कि जो है उचित कार्रवाई हो, दरोगा को सस्पेंड कराया जाए, उसे 302 का मुकदमा चलाया जाए और उसे जेल भेजा जाए, और जो हमें मुआवजा भी मिलना चाहिए, जो हमारा पैसा लगा है वो हमें मुआवजा मिलना चाहिए। कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप? हम मानवाधिकार जो जहाँ तक हमें कोशिश कर मिलेंगे हम सब का हर कार्य करेंगे, मानवाधिकार मुख्यमंत्री जहाँ भी जाना पड़े हम जाएँगे। और क्या करेंगे आप? भूख हड़ताल पर जाएंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। हमें थाना भोजपुरा का अंतर्गत ग्राम इटावा का 5 जनवरी का एक घटना हुआ है। आपस में पड़ोसी लोग के साथ मारपीट का और पथराव का सूचना मिली, दरोगा मौके पर गया था, दोनों पक्षी के ले आया था, उन्हें ले आया कि उन्होंने वहाँ पे दरोगा ने दूसरे पक्षी के खिलाफ 151 वगैरह सब कार्रवाई किया और इनका पक्षी का भी इन लोग को मारपीट कर चोट लगी, और उसके साथ दरोगा ने वहाँ मौके पर वो जो आदमी मरा है टीकाराम उनके पास भी कुछ उन्होंने मारपीट का उन लोगों ने परिवार लोगों ने आरोप लगाया, तो उसके आधार पर हमने उस दरोगा जी का सस्पेंड कराया और अभी उस दरोगा के ऊपर भी मैंने मुकदमा दर्ज कराया और कल 20-25 दिन उनके इलाज हुआ है हॉस्पिटल में, इलाज के दौरान और उनका मृत्यु हो गया है और कल रात उनका दिल्ली जाने का रास्ता में उनका थोड़ा कंडीशन से ज़्यादा सीरियस हो गया था, उसके बाद रास्ते में उनकी मृत्यु हो गया, अभी वो पोस्टमार्टम हो रहा है और मृत्यु का कारण क्लियर हो जाएगा, उसके आधार पर आगे भी मैं कार्रवाई करूँगा। अब दरोगा के खिलाफ 326 और 323 5456 मुकदमा दर्ज हुआ है दरोगा।